hello everyone you are watching video on hibernate this is the lecture number 21 on hibernate in this video we will discuss inheritance in hibernate uh, in hibernate inheritance we will discuss table per concrete class strategy so let us get started now as we know there are three inheritance strategies in hibernate first table per class hierarchy Second, table per subclass, and third, table per concrete class. First two strategies we have already discussed. Now we will go for the third strategy that is table per concrete class. Now, in the table per concrete class strategy, tables are created only for concrete subclasses in inheritance. Inheritance can there जो कंक्रीट सब क्लासेस होगी कंक्रीट सब क्लासेस का मतलब है कि जो सब क्लास एब्सटेक क्लास नहीं होगी कंक्रीट सब क्लास होगी उन्हीं के लिए टेबल क्रिएट होंगे दिस इज द फर्स्ट थिंग सेकेंड थिंग इट इज यूज वेन द सुपर टाइप इज एप्सटेक क्लास और इंटरफेस जो सुपर टाइप है यानी जो सुपर क्लास है वह यदि एब्सटेक क्लास है या फिर जो सुपर टाइप है वह इंटरफेस है तभी हम इस तीसरी स्ट्रेटजी को यूज करेंगे जैसे यहाँ पे डायग्राम में हम देखें कि मान के चलिए कि अपने पास बीन क्लासेस में तीन बीन क्लासेस है एम्प्लॉय जैसे कि जो कि सुपर टाइप है और मैनेजर और क्लासेस की सब क्लासेस है अब यदि यहाँ पे एम्प्लॉय मान के चलिए कि कोई इंटरफेस है या फिर कोई एब क्लास है तो हमें इस तीसरी स्ट्रेटजी पे जाना पड़ेगा और इसमें होगा क्या कि जो टेबल क्रिएट होंगे इन बीन क्लासेस के लिए वह सिर्फ सब क्लासेस के लिए होंगे यानी मैनेजर के लिए और क्लर्क के लिए टेबल्स बनेंगे जैसे डायग्राम में देखें मैनेजर के करस्पॉन्डिंग एम जी आर टेबल क्रिएट होगा और जिसमें जो कॉलम्स होंगे वो कॉलम्स सुपर क्लास की प्रॉपर्टीज और सब क्लास की प्रॉपर्टीज के लिए होंगे जैसे यहाँ पे देखें आईडी नेम सैलरी ये सुपर क्लास की प्रॉपर्टीज के लिए और डी ए टी ए ये सब क्लास के प्रॉपर्टीज के लिए इसी तरीके से एक और सब क्लास है लेटर से क्लर्क तो क्लर्क के लिए एक सेपरेट टेबल बनेगा फॉर एग्जाम्पल सी एल आर और इसमें भी सुपर टाइप के प्रॉपर्टीज के लिए कॉलम जैसे कि यहाँ पे देखें आई डी नेम सैलरी एंड सब क्लास की प्रॉपर्टी के लिए कॉलम जैसे एच आर ए क्रिएट होंगे तो यहाँ पे जो सब क्लासेस के लिए टेबल्स क्रिएट होंगे वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट टेबल रहेंगे ओके मैनेजर और क्लर्क में कोई रिलेशन नहीं है यहाँ पे बिल्कुल इंडिपेंडेंट टेबल यहाँ पे क्रिएट होंगे उट द टेबल पर कंक्रीट क्लास स्ट्रेट जी अब इसी को हम प्रोग्रामेटिकली डिस्कस करेंटाबेस यहाँ पे अपने पास में कोई टेबल नहीं है अब हम हाइबर नेट प्रोजेक्ट पे आते हैं सो हाइबर नेट प्रोजेक्ट में सबसे पहले हम बीन क्लासेस डिस्कस करें सो एम्प्लॉ बीन ऑलरेडी क्रिएटेड है हम यहाँ पे प्री क्रिएटेड प्रोजेक्ट यूज कर रहे हैं तो एम्प्लॉय भी ऑलरेडी क्रिएटेड है और उसमें अनोटेशन एट द रेट एंटिटी भी लिखा हुआ है और जैसा कि हम जानते हैं कि यदि हम तीसरी स्ट्रेटजी के लिए जा रहे हैं तो सबसे पहले तो हमें अपनी इनहेरिटेंस स्ट्रेटजी यहाँ पे स्पेसिफाई करना पड़ेगा और उसके लिए क्लास अनोटेशन यानी क्लास लेवल अनोटेशन एट द रेट इनहेरिटेंस में हम देंगे इनहरिटेंस स्ट्रेटी और वो है तीसरी जो आपको सिलेक्ट करना है टेबल पर क्लास ओके टेबल पर क्लास आपको बना दू उसके लिए मैंने एप्सटेक लिख दिया तो एम्प्लॉय होगी एप्सटेक क्लास और इनहेरिटेंस स्ट्रेटजी अपनी होगी टेबल या, पर क्लास यानी टेबल पर कंक्रीट क्लास के लिए स्ट्रेटजी यूज होती है फाइन अब यहाँ पे एम्प्लाई के लिए यानी सुपर टाइप के लिए कोई भी टेबल क्रिएट uh, नहीं होता है तो यहाँ पे table आपको लिखने की जरूरत नहीं है। बाकी की जो bean की uh, bean की की जो जो चीजें चीजें हैं, वो आपको लिखना है। जैसे यहाँ पे अपने को नॉर्गमेंट कंस्ट्रक्टर चाहिए कंस्ट्रक्टर चाहिए जिसमें सभी प्रॉपर्टीज हो सभी प्रॉपर्टीज के लिए गेटर सेटर मैथड एंड टू स्टिंग मैथड ओवर रिडन यहाँ पे है दिस इज वट यू शुड टेक केयर नेक्स्ट अब इसकी सब क्लास मैनेजर जो कि ऑलरेडी क्रिएटेड है सो मैनेजर एक्सटेंड प्रॉपर्टीज़ है सुपर क्लास की ट्विस्टिंग मेथड भी कॉल है और सब uh, क्लास की प्रॉपर्टीज भी लिखी हुई है नाउ थिंग इज वॉट मैनेजर पे एट द रेट एंटिटी तो लिखा हुआ है और जैसा कि हम जानते हैं कि ये कंक्रीट सब क्लास है तो इसके लिए टेबल क्रिएट होगा तो यदि आप टेबल का नाम मैनेजर ही रखना चाहते हो यानी वही जो बीन का नाम है तो आपको एट द रेट टेबलेशन लिखने की जरूरत नहीं है बट यदि आपको टेबल नाम स्पेसिफाई करना है तो फिर एट द रेट टेबल और फिर नेम एट्रीब्यूट में आप स्पेसिफाई कर दो टेबल का नेम जैसे मैंने एमजीआर लिख दिया सो so, ये सब क्लास की रिक्वायरमेंट एक और सब क्लास है क्लर्क वहां पे भी हम देख लें सो so, क्लर्क सब क्लास ने एक्सटेंड किया हुआ एम्प्लॉय को प्रॉपर्टीज डिक्लेयर नोर्गमेंट कंस्ट्रक्टर है, उसमें सुपर टाइप के प्रॉपर्टीज और सब टाइप के प्रॉपर्टीज है कंक्रीट सब क्लासेस के लिए टेबल क्रिएट होंगे मतलब क्लर्क के लिए भी टेबल क्रिएट uh, होगा तो यदि टेबल का नाम आपको क्लर्क ही रखना है मतलब वही जो बी इनका है तो फिर एट द रेट टेबल अनोटेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है अदरवाइज यहाँ पे एट द रेट टेबल अनोटेशन यूज करके आप टेबल का नाम स्पेसिफाई कर सकते हो जैसे मैंने किया नेम में मैंने लिख दिया फाइन सो दिस इज अबाउट द बीन बीन क्लासेस क्लासेस अब हम फाइल पे पे आते हैं की एंट्री ऑलरेडी है एम्प्लॉय मैनेजर और क्लर्क और डी डी एल स्कीम ऑलरेडी क्रिएटेड है सो नाउ कम टू मेन क्लास मेन क्लास में Habanet का कोड लिखा हुआ है एंड गुड थिंग इज मैनेजर का ऑब्जेक्ट भी बना हुआ है जिसमें हमने सुपर टाइप के प्रॉपर्टीज और सब टाइप के प्रॉपर्टीज के लिए वैल्यू प्रोवाइड कर दी है देन क्लर्क ऑब्जेक्ट भी बना हुआ है जिसमें सुपर टाइप और सब टाइप के लिए वैल्यूज दी हुई है फिर मैनेजर का ऑब्जेक्ट हमने सेव किया और क्लर्क का ऑब्जेक्ट भी हमने सेव कर दिया सो लेटेस्ट रन इट नाउ रन इज एप्लीकेशन फाइन सो टू रिकॉर्ड्स आर इंसर्टेड कुछ और रिकॉर्ड हम इंसर्ट कर दें बट उसके लिए हमें सी फाइल में पहले यहाँ पे क्रिएट की जगह अपडेट करना पड़ेगा एंड देन यहाँ पे आते हैं मेन क्लास में और आई हम यहाँ पे बदल दें तो यहाँ पे आई सपोज मैंने अब दे दिया थ्री और यहाँ पे आई दे दिया फोर नाम भी मैं बदल ही दे रहा हूँ शेव शिवा मैंने यहाँ पे नाम दे दिया लेटेस्ट रन द एप्लीकेशन वन मोर टाइम रन इज आवर एप्लीकेशन ओके सो इंसर्ट क्वेरीज आर रिटर्न अब डेटाबेस में जाके इसको हम चेक कर लें डेटाबेस so, में शो टेबल्स किया लुक हियर टू टेबल्स आर क्रिएटेड अब इनके रिकॉर्ड सेलेक्ट करके देखें सो इसके लिए सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एमजीआर हमने लिखा अनलुकियर एम जी आर टेबल जो कि मैनेजर के करस्पॉन्डिंग है तो उसमें रिकॉर्ड यहाँ पे आ गए इसी तरीके से जब हम क्लर्क टेबल से रिकॉर्ड सेलेक्ट करेंगे सो लुकियर आई डी नेम सैलरी जो सुपर टाइप की प्रॉपर्टीज है और एच आर ए सब टाइप की प्रॉपर्टी है उनकी वैल्यूज यहाँ पे आ चुकी है क्लर्क के रिकॉर्ड सो वेरी टू डिफरेंट टेबल्स आर क्रिएटेड बिल्कुल इंडिपेंडेंट टेबल मैनेजर के लिए एमजीआर और सी एल आर क्लर्क के लिए अलग अलग टेबल क्रिएट किए इनके बीच में कोई रिलेशन भी नहीं है फाइन बट जब आप रिकॉर्ड सेलेक्ट करोगे लेटेस्ट सपोज आपको एम्प्लॉय का रिकॉर्ड सेलेक्ट करना है सो वट वुड यू राइट यहाँ पे आपको क्वेरी में क्रिएट क्वेरी में फ्रॉम एम्प्लॉय लिखना है इट इज ऑलरेडी रिटर्न एंड देन लिस्ट आपको एम्प्लॉय टाइप की मिलेगी सो थिंग इज वॉट एम्प्लाई के लिए तो कोई टेबल है ही नहीं मैनेजर और क्लर्क के लिए तो मैनेजर और क्लर्क के लिए बिल्कुल इंडिपेंडेंट टेबल भी बने बट दोनों टेबल से रिकॉर्ड सेलेक्ट होकर आपको मैनेजर और क्लर्क दोनों के रिकॉर्ड यहाँ पे मिल जाएंगे रन रन करके टेस्ट कर लें सो राइट क्लिक जावा एप्लीकेशन हियर सिलेक्ट क्वेरीज रिटर्न उसमें जो रिकॉर्ड सेलेक्ट हुए हैं वो दोनों ही टेबल सी हुए होंगे ये देखिए बिल्कुल लेंदी क्वेरी हो गया उसमें मैनेजर और क्लर्क दोनों से रिकॉर्ड सेलेक्ट हो गए और इस तरीके से हमें दोनों टेबल के रिकॉर्ड यहाँ सेलेक्ट होके मिल गए नाउ इन केस आप यहाँ पे फ्रॉम मैनेजर लिखोगे तो मैनेजर के रिकॉर्ड आ जाएंगे ओके लिस्ट विल बी ऑफ मैनेजर टाइप तो यहाँ पे फ्रॉम मैनेजर लिखा और मैनेजर की लिस्ट आपको मिल जाएगी राइट क्लिक रनस जावा एप्लीकेशन तो क्वेरी फायर uh, हुई और आपको मैनेजर के रिकॉर्ड मिल गए नेक्स्ट सपोज क्लर्क रिकॉर्ड चाहिए तो फ्रॉम क्लर्क लिस्ट ऑफ क्लर्क टाइप रन एप्लीकेशन हियर सिलेक्ट क्वेरी क्लर्क के लिए और क्लर्क के दोनों रिकॉर्ड सिलेक्ट हो गया, गया। सो दिस इज वट अबाउट द थर्ड स्ट्रेटजी बाकी की यदि कोई क्वेरीज आपको फायर करनी है एग्जीक्यूट करनी है जैसे अपडेट डिलीट करना है या फिर कुछ वेयर क्लॉज वगैरह में कुछ लिखना है या जो भी क्वेरी आपको एग्जीक्यूट करना है आपको एज इट इज जैसे हमने पहले की वीडियोस में डिस्कस किए वैसे आप एग्जीक्यूट कर सकते हो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो